अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाई किचन। आज मैं आपको बहुत ही मज़े के करेले चिकन बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एक ये मैंने 1.5 किलो करेले लिए थे, इनको मैंने ऊपर से छिलका उतार दिया, यानी कि मैंने पीलर की मदद से इसको इसका छिलका उतारा। आप छुरी से भी इसको खुरेच सकते हैं। तो इसको मैंने छिलका उतार के और इसका फिर मैंने वो पीट में से बीज निकाले और इसको इस तरह कटिंग कर ली थी। और इसके बाद मैंने इसको 1.5 टेबल स्पून नमक लगा के 20 से 25 मिनट रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके नमक निकाल दिया और इसको फिर मैंने छन्नी में रख दिया। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट छन्नी में पड़े रहे थे, इसका पानी सारा डिस्चार्ज हो गया। ये मैंने 3 पाव चिकन लिया, 1/2 किलो टमाटर जाएंगे बारीक चौक और ये प्याज जाएगी इसमें 1 किलो स्लाइस में कटी हुई। लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, लेमन जूस जाएगा 3 टेबल स्पून और हरी मिर्चें जाएंगी 10 से 12, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। मसालों में जाएगा नमक 1.5 टेबल स्पून, नमक आपने हिसाब से डालना क्योंकि हमने करेलों में भी लगा के रखा था। सुरख मिर्च पिसी जाएगी 1 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून भर के, साबुत धनिया पिसा 1 टेबल स्पून भर के और आमचूर पाउडर जिसे खटाई पाउडर भी कहते हैं 1 टीस्पून। ये देखी लिए इसमें मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये करेलों को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना, आधे एक दफ़ा में मैं कर लूँगी और आधे एक दफा। जो हमने करेले डाले थे तो फ्राई हो गए। अच्छा, आपने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर ये ना सुकड़ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। बस हल्के हल्के से हमने ये देखें फ्राई कर लें। इसको मैं निकाल लेती हूँ, करेले मैंने तमाम फ्राई करनी है और निकालनी है। अब हम ये प्याज अपनी शामिल करेंगे, ठीक है, और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। आधी प्याज हम निकाल लेंगे और आधी में फिर हम चिकन डाल के इसका मसाला तैयार करेंगे। फ्लेम को आप मीडियम रखें। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। हमने जो प्याज शामिल की थी वो भी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे, बस ज़्यादा नहीं आपने इसको भी फ्राई करना। अच्छा, इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है ना ऑयल और शामिल करूँगी, ठीक है। 1/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, ये जो बाकी की प्याज है इसको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। फिर हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और चिकन डाल के फ्राई करना है। प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो गया, इसमें अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून। ये लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको हल्का सा पका लिया, खुशबू आने लग गई है। अब हम ये चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। चिकन फ्राई हो गया हमारा, अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, और ये तमाम मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा, नमक और सूरज मिर्च पिसी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम इस मसाले के साथ और टमाटर के साथ फ्राई करेंगे और इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी डाल के चिकन को गला लूँगी। टमाटर मसाले के साथ मैंने इसको 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 1 कप पानी शामिल करूँगी, 1/2 कप नहीं 1 कप, ठीक है। और मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो इसमें गल जाए। इसको हमने कवर कर दिया था, 7 मिनट हो गए। ये देखें, अब हम थोड़ी सी फ्लेम को
फ्राई करेंगे और इसका थोड़ा सा पानी खुश कर देंगे। अच्छा, अब इधर मैं ये हरी मिर्ची मैंने दो कर ली है, इसको हम डाल देंगे और ये लेमन जूस डाल देंगे। ये हाई फ्लेम पे हमने इसका पानी खुश कर लिया, ये देखें तैयार हो गया, चिकन भी गल गया और मसाला भी तैयार हो गया। अब फ्लेम को स्लो करेंगे और अब हम ये प्याज शामिल कर देंगे जो हमने पहले निकाल के रखी थी, हल्की सी फ्राई करके। ये हमने जो प्याज डाली थी इसको 2 मिनट हो गए इसके अंदर पकते हुए, अब हम ये करेले डाल देंगे। अच्छा, प्याज और करेलों को आपने देखा मैंने लाइट सा ही फ्राई किया, ज़्यादा आप इसको फ्राई करेंगे प्याज को और इसको तो ये श्रिंक हो जाते हैं और फिर खाने में नहीं मज़े के लगते। अब हम इस करेलो अब हम इस करेलों को मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया माशाल्लाह। इसको मैं 2 से 3 मिनट डाल के करेलों को फ्राई कर लिया। अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, ठीक है, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्लेम को स्लो कर दें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, और कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं अच्छी से अच्छी डिश आपके सामने ला सकूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।